क्योंकि आपने किसी टूल से उसे क्वांटिफाई किया है। तो अमूमन जो बेसिकली हम लोग क्वांटिफाई करते हैं वो करते हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल टाइप के सिचुएशन को या क्वालिटी वेरिएबल को। कुछ समय में ऐसा भी होता है कि हमको डेटा क्वांटिटी में दिख रहा है लेकिन एक्चुअली वो नॉमिनल या ऑर्डिनल होता है। जैसे मोबाइल नंबर अगर आप देख लें, 10 लोगों के मोबाइल नंबर आप पूछ लीजिए, आपको डेटा तो मिलेगा क्वांटिटी में, नंबर में, न्यूमरल्स में मिलेगा, लेकिन ये न्यूमरल्स नंबर सिस्टम के रूल्स को ओबे नहीं करते हैं। आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते, आप इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये नॉमिनल की क्वालिटी को रखे हुए होते हैं। तो ये आपका अगला महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि आप इसे जानें कि हमारे हर वेरिएबल का मेजरमेंट स्केल क्या है। हाँ, और शायद आप लोग इस पर लेक्चर भी सुन चुके हैं। अब मेजरमेंट स्केल के द्वारा ही वेरिएबल को हम लोग दो तरीके के वेरिएबल में बांट देते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल और एक होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल हम लोग उसे कहते हैं जिनका मेजरमेंट स्केल नॉमिनल या ऑर्डिनल होता है, और क्वांटिटेटिव उन्हें कहते हैं जिनका इंटरवल या रेशियो होता है। तो आप अपने जितने भी क्वेश्चंस आप हैं उसमें से आप देख लिए कि आपके पास कौन सा क्वालिटेटिव वेरिएबल है, कौन सा क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। इसके बाद एक और वेरिएबल की डिफिनीशन जानने की ज़रूरत होती है कि हमारा वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल है कि हमारा वेरिएबल कंटिन्यूस वेरिएबल है। डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल, ये नाम हम लोग इन्हीं चारों तरह के वेरिएबल्स को देते हैं, नॉमिनल वेरिएबल, ऑर्डिनल वेरिएबल, इंटरवल वेरिएबल एंड रेशियो वेरिएबल। इन्हीं को हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल बोलते हैं। अब अगर आपका वेरिएबल क्वालिटी वाला है, नॉमिनल या ऑर्डिनल है, और आपने उनको नंबर प्रोवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रोवाइडिंग असाइनिंग द नंबर, वो आप हमेशा डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। और जितने भी आपने मेजरमेंट क्वांटिफाई किए हुए हैं, किसी टेक्निक से क्वांटिफाई किए हुए हैं, जैसे हाइट इन सेंटीमीटर, वेट इन किलोग्राम, इनकम इन रुपीज़, ये सारे के सारे क्वांटिटी होते हैं और इन्हें हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। इस डेटा को रखने वाले वेरिएबल को बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल, लेकिन इसका जो डेटा होता है वो पॉइंट होता है, जैसे एज 40 ईयर, 50 ईयर, 60 ईयर, तो ये क्या है, डिस्क्रीट है, क्योंकि हम स्पेसिफिक वैल्यू लिख रहे हैं, लेकिन ये जो वेरिएबल हमारा एज है ये कंटिन्यूस है, इसलिए कि जो भी हम लिख रहे हैं वो एकदम फिक्स्ड वैल्यू नहीं है एज की। जैसे अगर कोई कहता है एज हमारी 50 ईयर्स है तो वो एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं हो सकता है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल को कभी भी आप 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। जिनको आप 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं उन्हें डिस्क्रीट कहते हैं, जैसे फैमिली साइज। फैमिली साइज भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, लेकिन फैमिली साइज 2, 4, 6, 8 ये फिक्स्ड है, इसमें कहीं भी हेर फेर नहीं होगा। लेकिन इनकम इन रुपीज, हेलो क्या जा रहे हैं? हेलो कोई बताएं, प्रीति जी आपको याद आ रही है? हेलो 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 आप आवाज़ क्या? हेलो 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 आवाज़ आ रही है क्या? हेलो हेलो ओके थैंक यू। बीच में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम
की वजह से कट गया था। मेरा कहना था कि हम लोग समझ लें। इसके बाद एक प्रश्न उठता है, हेलो, इसके बाद एक प्रश्न उठता है कि हम जब हम डेटा पा गए, अपने वेरिएबल को आइडेंटिफाई किए, उसकी क्वालिटी को समझ गए, तो हेलो, हेलो, आवाज अब आ रही है, क्लियर आ रही है, ओके थैंक यू। तो इसके बाद है कि हम करें क्या, हम ये कहते हैं कि क्वालिटेटिव वेरिएबल को फैक्टर बोलते हैं, और क्वालिटेटिव वेरिएबल के जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उन्हें लेवल बोला जाता है। जैसे अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर के दो क्वालिटी हैं, मेल फीमेल, तो मेल फीमेल को लेवल बोलते हैं और जेंडर को बोलेंगे फैक्टर। तो अमूमन हायर डायमेंशन में जब आप एनालिसिस में जाते हैं तो इन्हें फैक्टर और फैक्टर लेवल बोला जाता है। इसके बाद डेटा के बाद हम लोग कुछ डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे हम दुनिया को बताएं, क्योंकि अपना पूरा का पूरा डेटा तो दिखाएंगे नहीं, और पूरा का डेटा दिखाएंगे तो उसमें दुनिया को कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए हम दुनिया को कैसे दिखाएं। इसके लिए हम लोग स्टेटिस्टिकल टूल्स का यूज करते हैं, और जो बेसिक टूल्स हमारे हैं स्टेटिस्टिक्स के वह है ग्राफ। पहला है ग्राफ, तो हम लोग बहुत सारे ग्राफ्स बनाते हैं, जैसे बार डायग्राम बनाते हैं। बार डायग्राम प्रश्न उठता है कि कब बनाएं, तो अगर आपके अच्छा ये सारे डायग्राम जो हैं ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से बनते हैं, तो इसका मतलब है कि डेटा पाने के बाद हमें उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे हम उसका बार ग्राफ बना सकते हैं। बार ग्राफ बनाएंगे जब हम क्वालिटेटिव वेरिएबल की बात कर रहे होंगे, लेकिन अगर हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल ग्रुप में बना करके रखा हुआ है, ग्रुप्ड इंटरवल टाइप का क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाया है, तो फिर हम उससे हिस्टोग्राम बनाएंगे। लेकिन क्वांटिटेटिव वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पॉइंट पर बनाया हुआ है तो फिर उसका बार डायग्राम बनेगा। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डायग्राम्स को बनाते हैं, जिसमें बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फिर लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम अमूमन टेम्पोरल डेटा या बहुत सारे वेरिएबल्स का डेटा, बहुत सारे क्वालिटेटिव वेरिएबल का डेटा एक ग्राफ पे दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्राफ है जो हम लोग यूज नहीं करते हैं, हमारे इंडियन ऑथर्स यूज नहीं करते हैं, वो अपने पेपर में शो नहीं करते हैं, ये बहुत ही मतलब पॉपुलर प्लॉट है। ये क्या करता है कि आपके वेरिएबल का ग्राफ बनाएगा और आपके वेरिएबल के डेटा को चार सेगमेंट में तोड़ के दिखाता है, मिनिमम वैल्यू से फर्स्ट क्वार्टाइल तक की वैल्यू का स्प्रेड कितना है, फर्स्ट क्वार्टाइल से सेकंड क्वार्टाइल के बीच वैल्यू का स्प्रेड कितना है, और थर्ड सेकंड से थर्ड के बीच में स्प्रेड कितना है, थर्ड से मैक्सिमम के बीच में स्प्रेड कितना है। अब पूरा का पूरा खेल डेटा एनालिसिस का स्प्रेड के ऊपर ही होता है, स्प्रेड का कारण जानने का होता है, वेरिएशन का कारण जानने का होता है। तो ये आपको ग्राफ चार सेगमेंट में डेटा का आपकी डिस्पर्शन से आप स्प्रेड निकालते हैं वो आपको सेगमेंट में नहीं दिखाता है, वो आपके पूरे डेटा के लेंथ का दिखाता है। इसलिए ये ग्राफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, साथ ही साथ ये आउटलायर्स की भी जानकारी देता है अगर आप किसी सॉफ्टवेयर से बना रहे हैं तो। इसलिए हम लोगों को इस ग्राफ को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, और अपने जो पेपर्स में इस ग्राफ के ऊपर डेटा देना चाहिए। ग्राफ के बाद आता है कि हम अपने डेटा को वेरिएबल का जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आया है उसे कुछ नंबर्स से रिप्रेजेंट कर दें और सारे ऑब्जर्वेशंस को दुनिया को न दिखाएं, व्यूअर्स को हम सारा का सारा ऑब्जर्वेशन न दिखाएं, उन्हें कुछ नंबर्स से रिप्लेस कर दें ऑब्जर्वेशंस को, और इसे कहते हैं न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टर ऑफ वेरिएबल। और इसमें जो पहला न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टर है वह है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
और इसमें आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें कुछ नाम हैं, मीन है, मीडियन है, मोड है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, रिपीटेड टाइप ऑफ ग्राफ। ओके, टाइप ऑफ ग्राफ हम आपको कुछ और लिंक बताएंगे, हमें पहले बोल लेने, हम बीच में लिंक आपको एक बाद में देंगे, आप वहाँ से बहुत डिटेल में जान सकते हैं उन्हें। ओके, सो तो फैक्टर्स पहले निकालते हैं, उसके बाद निकालते हैं अगर हमें ग्राफ से अपने वेरिएबल को, क्वालिटी को। स्टेम लीफ, ओके, इट इज अगेन टाइप ऑफ ग्राफ, यू टॉकिंग अबाउट देयर इज डिस्टर्बेंस इन वॉइस। एक्चुअली आई एम ऑडिबल टू ऑल, आई एम क्लियरली ऑडिबल टू ऑल, एम आई क्लियरली ऑडिबल टू ऑल, चर्चा टाइम लिमिट है उसको देखते हुए। एनीवे हम स्टेम लीफ ग्राफ को बता देते हैं। स्टेम लीफ ग्राफ में करते क्या है कि हमारे वेरिएबल है, उस वेरिएबल के हर वैल्यूज का जब भी आप कोई वैल्यू लिखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की एज 20 इयर्स है, किसी की एज 22 ईयर, किसी की एज 23 ईयर है, अब इसमें सबकी एज में टेंस प्लेस पर 2 लगा हुआ है, वैल्यू कहाँ बदल रही है, यूनिट प्लेस के। तो अब अगर हम 2 लिख दें और 2 के बाद यूनिट प्लेस का नंबर उसके आगे कोलन के साथ बढ़ाते चले जाएं, 0, 1, 2, तो इससे हमको मालूम होगा कि 20, 22 की कितने लोग हमारे डेटा में थे। तो टेंस प्लेस बना करके यूनिट प्लेस को की वैल्यू को हम लोग इस स्टेम लीफ प्लाट में शो करते हैं। अमूमन जो स्टेम शब्द है वो टेंस प्लेस की वैल्यू को शो करता है और जो लीफ शब्द है वो यूनिट प्लेस की वैल्यू को शो करता है। तो अगर आपके पास 2 डिजिट का है वेरी ऑब्जर्वेशंस, तो हमेशा उसका जो टेंस प्लेस है वो लोगों के एज 20 साल से शुरू हुए, कुछ लोगों के एज 30 साल से शुरू हुए, अब 30 साल से लेकर के 39 साल के बीच में 4 लोग हैं, तो अब चारों का काम और उनकी एज अब चेंज कैसे होगी यूनिट प्लेस से, कोई 35 होगा, कोई 36, 37 होगा, तो 3 के आगे 3, 5, 7 इस तरह से हम लिख देंगे, तो इस तरह से एक ग्राफ बनता है और इसको बोलते हैं ग्राफ। और ये ग्राफ बहुत हेल्पफुल होता है डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को जानने के लिए, डेटा का शेप कैसा है ये इस ग्राफ से आप आसानी से समझ सकते हैं। इस ग्राफ से अपने डेटा का मोड निकाल सकते हैं, ये चीज़ें आप इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। ये ग्राफ भी हम लोग बहुत उपेक्षित रखे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर में देखते हैं इन कंपैरिजन टू स्टेम लीफ प्लॉट बॉक्स प्लॉट एंड विस्कर प्लॉट का ज्यादा यूज है। आई थिंक आई मे बी क्लियर। देन अगेन आई एम कमिंग ऑन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो इस पर से हमारा आशय क्या है कि हम अपने एक वेरिएबल को लिए उसके डेटा में से हम एक सिंगल नंबर खोजते हैं, और वो सिंगल नंबर जब हम ढूंढ लेते हैं तो अपने डेटा को पूरा हैं और ऑडियंस को केवल वही सिंगल नंबर दिखाते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकल, मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। हो सकता है कि किसी पर्पज से आपने जिस पर्पज कलेक्ट किया हो उसमें उस पर्पज के लिए उस डेटा की मैक्सिमम वैल्यू ही रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हो। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपके स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या था जिसके लिए आपने ये काम किया था। अब प्रश्न उठता है कि हमारे पास डेटा है, हम इस डेटा से मीन निकालें कि मीडियन निकालें कि मोड निकालें।
इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं आपको केवल ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको किस पर्पज से लेना चाहते हैं। अगर आपके पास एक एज का डेटा है, सपोज करिए कि 100 लोगों का डेटा आपके पास एज का है और आपने उसका मीडियन निकाला और वो मीडियन आया 40 इयर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आप किसी ऑडियंस को बोलेंगे कि हमारे डेटा का मीडियन एज 40 इयर्स है तो वो क्या समझेगा। यहाँ पे कुछ हम लोगों के बुक्स में और कई जगहों पे ये भ्रांतियाँ हैं जो लिखी गई हैं इसके जानकारी को लेकर के कि वो क्या समझेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इस मीडियन वैल्यू से छोटे 50% वैल्यूज हैं और इस मीडियन वैल्यू से हायर साइड में 50% वैल्यूज हैं। ऐसा तभी होगा जब आपके डेटा में रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस ना हों। लेकिन अगर आपके डेटा में रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस हैं और अगर ये मीडियन वैल्यू कई लोगों के लिए यही आई हुई है तब ये 50% ऑब्जर्वेशंस का जो थ्योरी है, जो डिफिनीशन है, वो फेल कर जाता है। तो मीडियन की डिफिनीशन है कि अगर मीडियन 40 है इसका मतलब है कि हमारे डेटा में 40 या 40 से कम, कम से कम 50% ऑब्जर्वेशंस हैं। हो सकता है 70% हो। अगर मीडियन 40 है तो इसका मतलब हुआ कि हमारे डेटा में 40 या 40 से छोटे कम से कम 50% ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। इसी तरह 40 या 40 से बड़े हमारे डेटा में कम से कम 50% ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे। हाँ, ये इक्वल 50% का हिसाब एक स्पेशल केस है इस डिफिनीशन का। तो अब अगर आपने मीडियन बताया किसी को कि हमारे ये है तो उसको नॉलेज क्या मिलेगी आपके डेटा के विषय में? मिलेगी कि आपके डेटा में कम से कम 50% वैल्यूज 40 या 40 से छोटी थी। कितने परसेंट थी? 55% थी कि 60% थी कि 70% थी? हाँ, आप ये नहीं बता पाएंगे इससे, अन्यथा तो ऑडियंस जान पाएगा इस बात से कि ये मीडियन 40 है। अगर आपने मोड निकाला उस डेटा का, मोड आ गया 40, सपोज कर लीजिए कि आ गया, तो अब आपका ऑडियंस जब आप इसको प्रेषित करेंगे ऑडियंस को, तो अब वो आपके लिए तब समझेगा यो इनके डेटा में जो ऑब्जर्वेशंस मिले थे एज के उसमें 40 बार मिला था, 40 सबसे ज्यादा बार मिला था, ये नहीं कि 40% से ज्यादा टाइम मिला था। हाँ, बहुत लोग ये भी कह देते हैं, लेकिन 40 क्या था? ज्यादा बार मिला था, लेकिन फिर भी वो आपके डेटा के हर वैल्यू की जानकारी उसको नहीं मिल पाती है। तो ये दोनों ही जो हमारे मीन, मीडियन और मोड हैं, ये हम हर वैल्यू के विषय में नहीं दे पाते। ये सारे ऑब्जर्वेशन निकाले ही नहीं जाते। तो बढ़िया मेजर माना ये जाता, वो माना जाता है जो सबकी राय से निकल के आवे, मीन्स जिसको निकालने में सब सारे का हम यूज करें। और हम लोगों के पास मेजर हैं जो ऑब्जर्वेशंस को यूज करते हैं, जैसे अर्थमेटिक मीन वो सारे ऑब्जर्वेशंस को यूज करता है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारे ऑब्जर्वेशंस यूज करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली हम लोग अर्थमेटिक मीन क्वांटिटेटिव डेटा में निकालते हैं, लेकिन डेटा में आउटलायर होता है और अर्थमेटिक मीन उन आउटलायर से बहुत, जैसे मान लीजिए कि हमारे 7 लोगों की एज है, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, 6 year, 7 year, तो इसका अर्थमेटिक मीन लगभग सारे ऑब्जर्वेशंस इसके पास हैं। सपोज करिए कि डेटा दूसरा बोल रहा हूं, 7 लोगों का एज 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, 6 year, 70 year,
अब क्या हुआ, एक जो एक आ गई, अब इससे जब आप मीन निकालेंगे तो आपका मीन वैल्यू 70 की ओर स्किप कर जाएगा और इससे डेटा के सेंट्रल वैल्यू की रियल आइडिया नहीं मिल पाएगी। तो जब आपके डेटा कहलाएगा कि 70 आउटलायर है, अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन है बाकी ऑब्जर्वेशन से, तो जब कोई आपके जब आउटलायर आपके डेटा में होगा उस समय अर्थमेटिक मीन हो सकता है कि 9 हो। उस केस में जनरली लोग मीडियन को अप्लाई करते हैं, मीडियन को यूज करते हैं, या तो आप उस आउटलायर का ट्रीटमेंट करें, आउटलायर को किसी तरह, या तब अर्थमेटिक। जनरली जब हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं बताएंगे कि हमारे डेटा का अर्थमेटिक मीन, हमारे एज वेरिएबल का अर्थमेटिक मीन 40 है और हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस थे। अब हम किसी को अपने सारे 10 ऑब्जर्वेशंस दिखा नहीं रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अर्थमेटिक मीन 40 है। अब जो हमारा व्यूअर है, जो हमारी इस बात को सुन रहा है, कि वो एक एक्सपेक्टेशन करता है कि वो इनको जो वैल्यूज मिली थी 10 लोगों की, वो हर के सामने 40 मीन्स पहला हमारा डेटा चाहे जो 40 बोले तो व्यूअर उसे 40 समझेगा, दूसरा वाला वैल्यू रियल में चाहे जो रहा हो, हमने मीन 40 कहा है तो दूसरे वाले के करेस्पॉन्डिंग भी वो 40 से। तो इसी से कहते हैं कि मीन जो होता है वो वेरी मीन्स, इससे आप हर ऑब्जर्वेशंस की आइडिया लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं, इक्वल टू दैट वैल्यू, इक्वल टू दैट वैल्यू। आउटलायर ट्रीटमेंट इज नॉट डन थ्रू द मीडियन, आउटलायर ट्रीटमेंट इज डन थ्रू सो मेनी डिफरेंट टेक्निक्स लाइक द डेटा इनटू डिफरेंट फॉर्म बाय टेकिंग द लॉग ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ डेटा। हाँ, सपोज यू आर हैविंग ए डेटा विथ आउटलायर, यू जस्ट टेक ज्योमेट्रिक मीन, इट विल बी मोर आर लेस नियरर टू द मीडियन। सो मीडियन इज नॉट ट्रीटमेंट ऑफ आउटलायर, ट्रीटमेंट ऑफ आउटलायर्स आर डिफरेंट। मीडियन इज नॉट द इंड वैल्यू एंड आउटलायर्स आर इंड वैल्यू। So, if you want to avoid the destruction of your data, your representative outlier, safe, but it is not treatment of outlier. तो हम लोग मीन को देते हैं और मॉडल का मतलब होता है कि रियल सिचुएशन को एक्सप्लेन करें। अब रियल सिचुएशन कोई मॉडल बढ़िया एक्सप्लेन करेगा, कोई बढ़िया नहीं करेगा। सेंट्रल वैल्यू देना चाहते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी वैल्यू आई सेंट्रल वैल्यू, ये डेटा को वो रियली रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं। हाँ, जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करिए कि हम ओपिनियन लें, हिंदुस्तान लोगों से ओपिनियन लें, हाँ पाकिस्तान कंट्री के प्रति, और क्वालिटेटिव ओपिनियन लें कि गुड कंट्री बैड कंट्री, तो हम आएगा और हमारे पास 130 करोड़ पॉपुलेशन है तो डेटा कितना आएगा, 130 करोड़ आएगा, और वेरिएबल हमारे पास एक है, ओपिनियन ऑफ इंडियंस ऑन पाकिस्तान। अब अगर ये डेटा आया तो हम इस डेटा से कोई सेंट्रल वैल्यू निकालेंगे, हाँ सेंट्रल वैल्यू हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, तो हम लोग परसेंटेज भी सेंट्रल वैल्यू के रूप में यूज करते हैं, यह भी एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। इसके बाद हम कोशिश करते हैं ये जानने कि जो भी हमने रिप्रेजेंटेटिव निकाला, हमने अपने डेटा का नेता खोजा, वह नेता हमारे डेटा के नज़दीक है, डेटा पॉइंट के नज़दीक है कि डेटा पॉइंट से दूर है। सकते हैं कि नेता जनता के नज़दीक है कि नेता जनता के दूर है। अब कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू अगर आपके ऑब्जर्वेशंस के क्लोज में है,
मतलब है कि वो बेटर रिप्रेजेंटेशन देगा आपके डेटा का, लेकिन अगर उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपके डेटा का बेटर रिप्रेजेंटेशन वो नहीं देगा। तो हम लोगों का अगला होता है कि हम ये पता करें, और इसे हम लोग पता करने के लिए को यूज़ करते हैं। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमको ये दो चीज़ें बताता है, हमारे डेटा में स्प्रेड कितना है, और दूसरा कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव के कंपैरिजन में से उसके डेटा पॉइंट की एवरेज डिस्टेंस क्या है। ठीक है, अब अगर आप केवल डिस्टेंस जानना चाहते हैं कि हमारे डेटा में वेरिएशन कितना है, तो आप सीधे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से निकाल लीजिए, डिस्टेंस आपको मालूम हो जाएगा। हाँ, अब इससे आपको एक आइडिया लगेगी, लेकिन आपका रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के क्लोजनेस में है कि नहीं आपका डेटा, ये रेंज से आपको मालूम नहीं होगा। सिमिलरली कुछ लोग क्वार्टाइल डेविएशन निकालते रेंज निकालते हैं, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज, और ये भी क्या है, डिस्टेंस केवल मेजर करेगा आपके बीच के 50% ऑब्जर्वेशंस का। ये भी आपको किसी रिप्रेजेंटेटिव मीडियन मोड, जो भी आपने रिप्रेजेंटेटिव अपने डेटा वेरिएबल का निकाला, उससे इसकी डिस्टेंस मेजर नहीं करता है, लेकिन हम लोग इसे भी यूज करते हैं। जैसे जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं और कोई प्लेयर आपके सामने आता है, जब ओपनिंग के लिए दो प्लेयर आते हैं, तो अमूमन स्क्रीन पर अमूमन स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि एवरेज ऑफ प्लेयर ए इज 40 रन, एवरेज ऑफ प्लेयर बी इज 60 रन, करके आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ये एवरेज उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी मैच खेले होंगे उसके रन्स को जोड़ा गया होगा, डिवाइडेड बाय कितनी बार आउट, नंबर ऑफ मैच प्लेड नहीं, कितनी बार आउट हुए थे, इससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो उनका एवरेज लीजिए कि 40 पहले प्लेयर का है और दूसरे प्लेयर के पास एक फोन आया, पैसे लगाओ आप किस लगाओगे, किसी सटूरिए का फोन आया और आप मान लीजिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप किस पर लगाएंगे, निश्चित है कि आप 60 वाले को चुनेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पे हो सकता है कि आप समझ जाएं कि नहीं, ये हमारा डिसीजन गलत हो सकता है, क्योंकि सपोज करिए कि पहले वाले ने 5 मैच खेले हैं और हर मैच में 40 बनाया है, और दूसरे वाले ने 5 मैच खेले हैं, पहले वाले में 300 रन बनाया है, बाकी में सब में 0 बनाया है, दोनों एवरेज तो ठीक है, 40 एवरेज पहले का, 60 एवरेज दूसरे का। तो लेकिन अब आप जब ये देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि नहीं, ये तो दूसरे वाले में घाटा है। तो डिस्पर्सन आपको यही जानकारी देता है कि आपकी सेंट्रल वैल्यू से आपके ओरिजिनल पॉइंट्स की, डेटा पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस कम होगी इसका मतलब रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बेटर है। तो जब हम लोग किसी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंस निकालते हैं, तो हम लोग कुछ नए मेजर ऑफ डिस्पर्सन्स का नाम पाते हैं, जिन्हें कहते हैं मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोनों ही किसी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के रिस्पेक्ट में आपको डेविएशन बताते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू का आपके ऑब्जर्वेशन से कितने डिस्टेंस पर है क्लोजनेस को बताते हैं। अब अगर ये क्लोजनेस बहुत कम है तो ठीक है, बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव है। अब क्वेश्चन में आप ये क्लोजनेस मीडियन के साथ भी देख सकते हैं, मोड के साथ भी देख सकते हैं, अर्थमेटिक मीन के साथ भी देख सकते हैं, या किसी अन्य वैल्यू के साथ भी क्लोजनेस देख सकते हैं डेविएशन में। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो यहाँ पे क्लोजनेस देखने के लिए केवल और केवल हमारे पास जो सेंट्रल टेंडेंसी है वह है अर्थमेटिक मीन, केवल हम उसी से देखते हैं। और मीन डेविएशन से क्यों नहीं देखते हैं, तो मीन डेविएशन में है क्या कि हम वहां एब्सोल्यूट डिस्टेंस निकाल
एब्सोल्यूट डिस्टेंस की वजह से हम लोग उस पर बहुत सारे मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस सिंप्लीफिकेशंस एनालिसिस का कैलकुलेशंस का नहीं कर पा लगता है कि इसी से शिफ्टिंग हुई मीन डेविएशन से स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के पहले और फिर उसका स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो am I audible or not? Okay, can anyone help me? Okay, network is weak, but my broadband is running. Anyway, I'm going on. Namaskar Jaishankar ji. इसके बाद है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद हम लोग जानना चाहते हैं कि हमारे डेटा का शेप कैसा है। शेप के लिए हम ये कोशिश करते हैं, कैन एनी वन टेल मी द टाइम लेफ्ट फॉर मी, कैन एनी वन टेल मी, क्या कोई बताएंगे कि कितना समय बचा है? हेलो, कितना समय बचा है कोई बताएंगे? कितना समय बचा है कोई बताएगा? हाउ मच टाइम आई हैव नाउ? सोमेश सिंह जी, ओके, हमें जरा इन्फॉर्म करिएगा। तो अगला जो सिचुएशन होता है वो हमें जानना होता है कि हर वेरिएबल का शेप कैसा है। जब हम शेप की बात करते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल की बात करते हैं, हम मोस्टली क्वांटिटेटिव वेरिएबल की शेप में बात करते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल का शेप हम तभी निर्धारित कर पाएंगे जब वो ऑर्डिनरी, वो नॉमिनल है तो उसका शेप हम कि उसका शेप कैसा है। अब शेप को जानने के लिए हम लोग स्क्यूनेस और कुरटोसिस को यूज करते हैं। स्क्यूनेस बताता है कि हमारे वेरिएबल का शेप, फिगर बनाएंगे उस फिगर के टेल्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। कुरटोसिस स्क्यूनेस बताता है कि आपके वेरिएबल का जो शेप है वह ज़्यादा फ्लैट है या पीक लिए हुए है। हाँ, फ्लैट का मतलब है कि अगर आप एक सीधी लाइन खींचे तो वो फ्लैट है, उस लाइन को थोड़ी थोड़ा मोड़िए तो उसमें जो है झुकाव आएगा। हाँ, तो झुकाव आएगा तो फ्लैटनेस कम होगी। तो स्क्यूनेस बताता है कि आपके डेटा कैसा है। हाँ, अब अगर स्क्यूनेस जीरो है कि आपके डेटा में फ्लैटनेस नहीं, एकदम फ्लैटनेस जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि वो एकदम वर्टिकल लाइन है, फ्लैटनेस है बट अप टू अ सर्टेन, एकदम स्ट्रेट लाइन के जैसा नहीं है फ्लैटनेस। अब अगर जीरो आ गई तो इससे दो और है कि हमारा डेटा सिमेट्रिक है। और इसके साथ साथ ये भी बोला जाता है कि डेटा का मीन मीडियन मोड बराबर है। नहीं है कि स्क्यूनेस हो जाए तो आपके डेटा का मीन मीडियन मोड बराबर मिले। कोई जरूरी नहीं है कि आपका डेटा सिमेट्रिक हो तो मीन मीडियन मोड बराबर मिले। ठीक है, स्क्यूनेस जीरो आने पे का वेरी डेटा सिमेट्रिक होगा। स्ट्रेट लाइन भी एक सिमेट्रिक शेप है, बीच से आप देखें तो वो सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ एक जैसा है, सिमेट्रिक शेप है। अमूमन जब हम लोग स्क्यूनेस जीरो कहते हैं और ये कहते हैं कि हमारा डेटा बेल शेप्ड है। हाँ, स्क्यूनेस जरूरी नहीं है कि स्क्यूनेस जीरो मतलब कि हमारा डेटा बेल शेप्ड है। हाँ, बेल शेप्ड होने के लिए बहुत सारी और कंडीशंस हैं कि उसका मीन बराबर होना चाहिए मीडियन के, मीडियन बराबर होना चाहिए मोड के। इसके अलावा भी परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू डिफरेंट रेंजेज
माइनस सिग्मा के रेंज में, डिफरेंट रेंज में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये सब कहते हैं बेल शेप है कि आप नॉर्मलिटी कहते हैं। तो स्क्यूनेस हम लोग इस पर्पज से निकालते हैं। कुर्टोसिस ये है कि फिर हम लोग उसकी पीकनेस देखते हैं, हाइट कितनी है, जो हमारा डेटा फ्लैट नहीं है, स्ट्रेट लाइन जैसा फिगर नहीं है, अगर पीक लिए हुए है तो उसकी पीक कितनी ऊंचाई लिए हुए है, क्या इसकी ऊंचाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ऊंचाई से ज़्यादा है या इसकी ऊंचाई कम है। लेकिन स्क्यूनेस जीरो होना चाहिए इसके लिए। हाँ, तो अगर स्क्यूनेस जीरो है तो हम लोग हाइट देखते हैं कि पीकनेस क्या है के आधार पर, और ये पीकनेस हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल के पीकनेस से। नॉर्मल का पीकनेस होता है 1/√2π, जो कि सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है नॉर्मल का। हाँ, तो इस पीक हाई है कि लो है, इसके आधार पे हम मेसोकुर्टिक, लेप्टोकुर्टिक और प्लेटिकुर्टिक डिफाइन करते हैं। तो ये स्क्यूनेस और कुर्टोसिस इनके शेप को लेकर के है। कैन यू ड्रॉ ऑन पेज एंड शो, यू वेट, आई विल लिंक एंड यू विल सी एवरीथिंग। सो हमने आपको क्या क्या बताया कि आपके पास वेरिएबल आएगा, वेरिएबल का मेजरमेंट स्केल होगा, इससे आप उसके टाइप को डिफाइन करेंगे, टाइप करने के बाद आप या तो ग्राफ पे जाइए या तो वैल्यूज निकालिए। क्वांटिटेटिव वैल्यूज निकालने में आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन का सहारा लेना हो सकता है। इसके बाद आप उसके शेप को जानिए, शेप के लिए आप स्क्यूनेस और कुर्टोसिस को जानिए। ये सारी के सारी वैल्यूज कहलाती हैं न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टर ऑफ वेरिएबल। और अगर आपने अपने हर क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए निकाला तो कि हमने यूनिवेरिएट एनालिसिस की, उसके मुख्य तत्वों को आपने बता दिया। ये मुख्य तत्व होते हैं क्वांटिटेटिव के। क्वालिटेटिव वेरिएबल में अमूमन इंटरवल, अगर आपका ऑर्डिनल वेरिएबल है ज्यादा सुटेबल, ऑर्डिनल वेरिएबल को आप ऐड नहीं कर सकते हैं, मीन नहीं निकाल सकते हैं, और इंटर क्वार्टाइल रेंज उसके डिस्पर्सन को बताने के लिए सुटेबल होता है। जहाँ हम लोग अमूमन आप पेपर में देखेंगे कि जहाँ हम ओके, कैन एनीवन टेल मी द टाइम, अगेन आई एम आस्किंग टाइम, हाउ मच टाइम आई हैव, ओके हियरिंग में अगेन आई एम, सोमो सिंह इज विजिबल देयर, हाउ मच टाइम आई हैव, आई एम अनेबल टू सी द टाइम बिकॉज माई वॉच एट प्रेजेंट, ओके। अब आता है कि हम ये जो काम किए हुए हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी के लिए किए हैं कि इन्फरेंशियल स्टडी के लिए किए हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी का मतलब होता है कि आपने जो डेटा में पाया है वही दिखाइए, लेकिन जिस पर्पज से आपने डेटा लिया हुआ है उस पर्पज से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अपने डेटा के थ्रू तो इसे कहते हैं इन्फरेंशियल स्टडी स्टैटिस्टिक्स। अब जैसे मान लीजिए कि हमने 100 लोगों का एज मेजर किया था, एक लार्जर ग्रुप के एज को जानना, एक लार्जर ग्रुप के एज को जानना हमारा पर्पज था। तो अब हमने जब अपने डेटा का मीन निकाला, मीन एज, तो ये डिस्क्रिप्टिव है। लेकिन अगर हम इस मीन एज को एविडेंस लेकर के अपने पॉपुलेशन के मीन एज के विषय में कोई कंक्लूजन ड्रॉ करें करके अगर हम अपने पॉपुलेशन के मीन एज कोई कंक्लूजन ड्रॉ करें तब ये हमारा कंक्लूजन जो कि हमारे इस डेटा पर बेस्ड है ये कंक्लूजन कहलाएगा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। तो जब हम कोई इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक करते हैं तो इन्हीं सारे न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टर्स के ऊपर करते हैं कि हेल्प
क्योंकि वही चीज़ हमें पॉपुलेशन में चाहिए होती है। तो अब मान लीजिए कि इससे जब आप ये काम करने जाते हैं तो एक नई प्रॉब्लम शुरू होती है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपको एक आपने पॉपुलेशन लिया जिसमें कि 5000 बच्चे हैं और उसमें से आपने 100 बच्चों से उनकी एज पूछी। अब प्रश्न है कि आपने 5000 बच्चों में से 100000 बच्चों के एज पूछा क्यों था? तो जरूर है कि आपके पास एक क्वेश्चन हो रहा होगा, आपके पास एक हाइपोथेसिस रही होगी, आपके पास एक रिसर्च क्वेश्चन रहा होगा कि इस की एज क्या। अब अगर क्या है आपका एजम ऑब्जेक्टिव रहा होगा तब तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कि हाइपा ये रहा हो इस पॉपुलेशन के बच्चों की एज 40 इयर्स है जो कि किसी ने क्लेम किया हुआ है, किसी ने पेपर में पब्लिश किया हुआ है, तब ये आपका हाइपोथेसिस हो सकता है और इसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस। तो जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू पॉपुलेशन पे कोई इन्फरेंसेस ड्रॉ करना चाहते हैं तब हम लोग पहले एक नल हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। नल हाइपोथेसिस क्रिएट करने के पीछे एक लॉजिक है कि आप कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने बताया कि पॉपुलेशन का के बच्चों का मीन एज कितना है, ये हमारा जानना न हो बल्कि ये हमारा जानना हो कि किसी ने पेपर पब्लिश किया है, 40 साल क्लेम किया है। हाँ, ये हम जानना चाहते हैं कि उसका क्लेम वैलिड है कि नहीं। अब चूंकि वो पब्लिश है इसका मतलब हुआ कि वह एक वैलिड स्टेटमेंट है, वो न्यूट्रल स्टेटमेंट है। अब हम अपने डेटा से उस नल हाइपोथेसिस को निगेट करेंगे या निगेट नहीं भी कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग से इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं। अब इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कुछ बातें ध्यान देने लायक हैं, जैसे कि रिसर्च क्वेश्चन क्या है, रिसर्च क्वेश्चन क्या नल हाइपोथेसिस होती है। अमूमन ये कन्फ्यूजन होता है, मेरा ये मानना है कि नल हाइपोथेसिस ऑलरेडी पहले से प्रूवन फैक्ट होता है। हाँ, जब आप उस फैक्ट को निगेट करना चाहेंगे तो आपका रिसर्च क्वेश्चन होगा। जैसे मान लीजिए कि हमें ये देखना है कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो आज तक तो किसी ने प्रूव नहीं किया है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। अब मेरा नल हाइपोथेसिस क्या होगा इसमें कि देयर इज नो गॉड। अब हम कहीं से डेटा लेकर के कोई एविडेंस लेकर के ये इस नल को निगेट कर दें तो हमारा रिसर्च क्वेश्चन फुलफिल होगा कि देयर इज गॉड। हाँ, तो हमेशा रिसर्च क्वेश्चन जो है किसी एस्टेब्लिश थियरी के अगेंस्ट लिखा जाएगा। हाँ, जैसे क्या जेंडर के बीच में आईक्यू डिफरेंस है कि नहीं, मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट का आईक्यू डिफरेंस है कि नहीं। अब किसी ने अगर प्रूफ किया है कि नहीं मेल की आईक्यू ज़्यादा है फीमेल की कम है तब तो आप नल ले लीजिए। क्या है तो बेस्ट न्यूट्रल सिचुएशन आपके लिए क्या होगी कि आप मानिए कि नहीं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है और फिर आप इसे रिजेक्ट कराइए और तैयार होगी और आप उसे फिर आप कह सकते हैं कि ये हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई। अब इसको करने में बहुत सारे हम लोग टेस्ट यूज करते हैं। मुझे लगता है कि मेरा टाइम काफ़ी हो गया है। बहुत सारे टेस्ट आते हैं, जैसे कि टी टेस्ट आता है, जेड टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, एफ टेस्ट है। ये टेस्ट की लाइन जो है बहुत छोटी नहीं है। हाँ, अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग हाइपोथेसिस टेस्ट प्रोसीजर्स डेवलप किए गए हैं। तो हमें लगता है कि अगर कुछ क्वेरीज आएंगी बाद में तो हम लोग देखेंगे।
कि क्या हो सकता है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपना यहाँ ख़त्म करता हूँ। आप हमें कमेंट में लिखिए आपको कैसा लगा, आपको क्या चाहिए। और एक लास्ट में, मैं अभी खुद एक YouTube चैनल मैंने लॉन्च किया हुआ है और उसमें कुल 5-6 वीडियो मैंने डाली हैं। आप उन वीडियोस में जाइए, स्टेटिस्टिकल कंसीडरेशंस इन रिसर्च मेरा प्लेलिस्ट है उसमें, और अगर आप ज्ञान प्रकाश सिंह नाम से सर्च करेंगे तो शायद मिल जाए, अदरवाइज़ मैं आपको ग्रुप लिंक में डाल दूँगा उसका। अभी तक मैंने उसमें कुछ वीडियोस डाले हुए हैं और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तक पहुंचा हूं, लेकिन मैं आज आपसे अब आगे भी बात कर लिया। फ्यूचर में और वीडियोज आएंगे, हम निश्चित है कि वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो देखते रहें। थोड़ा टाइम लगेगा सारे वीडियोज आने में, क्योंकि मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, नमस्कार। सोमू जी को पुनः नमस्कार। हेलो, ठीक है, कुछ लोग और ऐड हो जाएं, अभी 4-5 लोग दिख रहे हैं। आवाज़ तो आ रही है ना सोमू सिंह जी, आवाज़ आ रही है ना? ओके, आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो, हेलो, हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही है तो क्षमा करिएगा, मुझे थोड़ा टाइम का मिस कन्फ्यूजन हो गया था टाइम के लिए। अब फिर हमसे आप लोगों से जुड़ रहे हैं, तो बात हम कर रहे थे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो जिस भी फेनोमेना के विषय में आपने बात करी है, पहली चीज़ तो जब हम लोग ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं तो किस पर करते हैं, तो हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं इसके लिए। मान लीजिए कि हमें ये जानना है कि बनारस डिस्ट्रिक्ट में HIV पॉजिटिव लोगों का प्रतिशत 10% है कि नहीं। तो इस जानने के लिए हमें डेटा कलेक्ट करना होगा। डेटा अब क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट होगा कि क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट होगा, हमको जानना क्या है कि प्रतिशत का HIV परसेंटेज का बात करना है। हाँ, तो इस तरह से हमको परसेंटेज पर हम हाइपोथेसिस दे सकते हैं। अगर हमें जानना है कि बनारस के लोगों का में पुरुषों का इनकम महिलाओं के इनकम से डिफरेंट है कि नहीं। हमें लगता है कि आवाज आ रही होगी, अब कुछ नेट की प्रॉब्लम है यहाँ पर। हाँ, मैं दूसरा कह रहा था कि बनारस जनपद में पुरुषों और महिलाओं के बीच में इनकम डिफरेंस है कि नहीं। अब इसके लिए हमारा डेटा किस
किस पर होना चाहिए, तो इनकम पर होना चाहिए। अब प्रश्न है कि ये डिफरेंस, इनकम डिफरेंस किस तरह के डेटा से हम निकालें, क्वांटिटेटिव डेटा से कि क्वालिटेटिव डेटा से, तो आपका ये प्रश्न क्लियर ही नहीं है। इनकम डिफरेंस, इनकम डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज में इनकम पुरुष की ज़्यादा है कि महिला की ज़्यादा है, एक ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि एवरेज इनकम पुरुष की, एवरेज इनकम महिला की। तो ये जब आप प्रश्न इस तरह के लिखते हैं तो आपको ये प्रश्न क्लैरिटी के साथ लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एवरेज इनकम ऑफ मेल एंड एवरेज इनकम ऑफ फीमेल आर सेम। अब क्या होगा, आदमी क्लियर रहेगा कि इनके पास जो डेटा था वो क्वांटिटी का था, क्योंकि आप एवरेज की बात कर रहे हो। दूसरा, परसेंटेज ऑफ इनकम अर्निंग मेल्स एंड परसेंटेज ऑफ अर्निंग फीमेल्स आर सेम। अब जब आपने परसेंटेज कहा तो इसका मतलब है कि आपका डेटा अब क्वांटिटी में नहीं है इनकम का, अब क्वालिटी में है। मीन्स आप कमाते हो नहीं कमाते हो, कमाते हो नहीं कमाते हो, ठीक है। तो जब आप इस तरह से डेटा लेंगे तो परसेंटेज ऑफ इनकम कंपेयर करेंगे, और जब आप कितने रुपए पाते हैं, कितने रुपए पाते हैं, इस तरह से डेटा लेंगे तो आप एवरेज इनकम को कंपेयर कर रहे हैं। तो जब भी आप अपने प्रश्न लिखें वो क्लैरिटी के साथ लिखें कि आपके इस प्रश्न का डेटा क्वांटिटेटिव होगा कि क्वालिटेटिव होगा। हाँ, अमूमन ये बातें क्लियर हो करके रिसर्चर लिखता नहीं है। जब भी या कुछ लोग ऐसे आते हैं तो जिससे कि आपको भी क्लैरिटी होगी कि हमें इस तरह का क्या डेटा चाहिए। अब रही बात कि नल हाइपोथेसिस क्या है, इसके लिए मैं एक अमूमन एग्जांपल देता हूँ कि जो भी चीज़ प्री प्रूव्ड है, पहले से प्रूव्ड है, वो नल हाइपोथेसिस होगी। और अगर आपने डेटा लेकर के उसे डिसप्रूव करने के लिए कर दिया तो वही आपका रिसर्च क्वेश्चन का सलूशन है। तो जैसे मान लीजिए कि एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल दिया जाता है जज का, कि जब कोर्ट में जज के सामने कोई व्यक्ति आता है तो जज उस व्यक्ति पर एक न्यूट्रल हाइपोथेसिस क्रिएट करता है। अब वो न्यूट्रल हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए, तो जज के लिए हर आदमी निरपराधी है, तो हर व्यक्ति के लिए जज नल हाइपोथेसिस बनाता है, द पर्सन इज इनोसेंट। अब ये कैसे प्रूव होगा, तो ये प्रूव होता है डेटा से, डेटा मीन्स एविडेंस से। एविडेंस मीन्स जो गवाह बुलाए जाएंगे, उनके जो बयान आएंगे, उस बयान के आधार पर ये प्रूव होगा कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाए कि ना किया जाए। तो नल क्या हुई, इनोसेंट, क्योंकि जब तक कोई आदमी अपराधी घोषित ना कर दिया जाए हर आदमी निरपराधी है। तो जज के लिए जो भी आदमी उसके सामने आया हर आदमी इनोसेंट है। अब आप के एविडेंस अगर उसे उसके अगेंस्ट बात करते हैं तो ये नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है। अब इस काम में दो तरह के एरर्स होते हैं, मैं इसी एग्जांपल पे ये एरर्स की बात करता हूँ। मान लीजिए कि सामने वाला व्यक्ति जिस पर कि जज ने अपनी नल हाइपोथेसिस बनाया कि ये व्यक्ति इनोसेंट है, वो वाकई में इनोसेंट हो और पुलिस ने गलती से धोखे में पुलिस ने उसे पकड़ लिया हो, किस कंफ्यूजन में पकड़ लिया हो, तो इसका मतलब कि जज की नल हाइपोथेसिस उस व्यक्ति के लिए सही बनी है, ठीक है। अब फैसला के समय इविडेंस आए और जितने भी गवाह आए सब लोगों ने कहा कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है वह बहुत ही बड़ा बदमाश है। मतलब उनके जितने भी बयान आए, जितने भी स्टेटमेंट आए, सब ये कह रहे थे कि वो इनोसेंट नहीं है। अब जज क्या करेंगे, जज सुनेंगे किसकी,
एविडेंस की। तो जज ने एविडेंस देखा और देखा कि जो एविडेंस बोल रहा है और जो हम सोच रहे हैं इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। एविडेंस और नल के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, मीन्स एविडेंस नल के फेवर में नहीं आ रहा है। तो जब एविडेंस नल के फेवर में नहीं आए तो हम लोग नल को रिजेक्ट कर देते और कहते हैं कि नल और एविडेंस के बीच में सार्थक अंतर है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो अगर एविडेंस सारे कह रहे हैं कि ये इनोसेंट नहीं है तो जज अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेगा और उस व्यक्ति को दोषी करार देगा। अब इस फैसले में एरर हुआ कि नहीं हुआ, तो हुआ। क्या एरर हुआ कि एक आदमी जो कि वास्तव में इनोसेंट था, एविडेंस की वजह से वह दोषी बन गया। अब इसे कहते हैं ट्रू नल हाइपोथेसिस का रिजेक्ट होना। अब अगर ट्रू नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, रिजेक्ट कैसे होगी, एविडेंस जैसा आएगा, जैसा आपको सैंपल मिलेगा उसके आधार पर रिजेक्ट होगी। तो अगर एक ट्रू नल हाइपोथेसिस एविडेंस के आधार पर रिजेक्ट हो जाए तो हम लोग इसको कहते हैं टाइप वन एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। दूसरा सिचुएशन देखते हैं कि मान लीजिए जो सामने खड़ा है जज के, हाँ, वो वाकई में बहुत ही बड़ा अपराधी है, लेकिन जज अपनी नल हाइपोथेसिस, जज अपनी प्रोसीडिंग्स को शुरू करने के पहले जो नल हाइपोथेसिस बनाएगा उसके लिए भी तो इनोसेंट बनाएगा, क्योंकि उसे न्यूट्रल रहना है और उसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए वो उसके लिए भी कहेगा कि पर्सन इज इनोसेंट। लेकिन वाकई में वो आदमी इनोसेंट नहीं है, इसको कहते हैं फॉल्स नल हाइपोथेसिस। फॉल्स नल हाइपोथेसिस हो क्यों गई, क्योंकि जो डिसीजन मेकर है, जो हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहा है, वो अपनी नल हाइपोथेसिस हमेशा न्यूट्रल रखना है, उसे न्यूट्रल बनाना है, प्रूवन थियरी को यूज करना है। अब इसके फैसले के लिए फिर एविडेंस आएंगे। अब ये एविडेंस आए तो वो बोलने लगे कि सर ये तो धर्मात्मा आदमी है, मतलब जितने भी अच्छाई के गुण हो सकते हैं, एविडेंस अगर वो बोलने लगे तो एविडेंस क्या कह रहा है, जज की हाइपोथेसिस के फेवर की बात कर रहा है कि पर्सन इज इनोसेंट। तो अगर हमारे एविडेंस इस तरह से आने लगे कि जो हाइपोथेसिस है उसके फेवर में आने लगे, तो फिर हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते हैं। और इस केस में अगर इस तरह के एविडेंस आए तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा और कहा जाएगा कि वो पर्सन इनोसेंट है। तो फिर क्या हुआ, फिर एरर हुई। अब ये कौन सा एरर हुआ कि एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस को स्वीकार कर लिया गया, रिजेक्ट नहीं किया गया, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं टाइप टू एरर। अब चूंकि सारे के सारे डिसीजन मेकिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हमारे एविडेंस बेस्ड हैं और एविडेंस हमारे रैंडम हैं, तो एविडेंस के आधार पे जब भी हम करेंगे तो ये एरर्स आएंगे, ठीक है, ये एरर्स आएंगे। बस कर क्या सकते हैं, हम इस एरर को थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं, सम एक्सटेंट तक इसे कम कर सकते हैं, लेकिन इसे हम जीरो नहीं कर सकते, इसकी संभावना हमेशा बनी रहेगी। अब जब भी हम लोग इसको करने जाते हैं तो जो प्रैक्टिस में है कि हम लोग टाइप वन एरर को एक मिनिमम परसेंटेज तक फिक्स कर लेते हैं, कि हम मान लेते हैं कि 100 बार अगर हम गवाह बुलाएं तो हम 95 बार टाइप वन एरर नहीं करेंगे, 5 बार करेंगे। इसे कहते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये हम लोग पहले तय कर लेते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब करते हैं तो, ठीक है, और इसके आधार पर कुछ रूल्स डेवलप करते हैं जिससे कि टाइप टू एरर कम से कम हो। ये रूल डेवलप करना ही
टेस्ट कहलाते हैं। अब आपको किस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है इस पर ये रूल्स डेवलप होते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपको पॉपुलेशन के मीन पर हाइपोथेसिस डेवलप करना है, ठीक है, अब पॉपुलेशन का मीन, अब पॉपुलेशन को भी यहाँ समझ लेने की ज़रूरत है कि पॉपुलेशन सिंगल है कि पॉपुलेशन मल्टीपल है। जैसे अगर आप कहते हैं इनकम इन रुपीज ऑफ मेल एंड फीमेल और आप कंपेयर करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि पॉपुलेशन दो है, एक मेल का पॉपुलेशन है और एक फीमेल का पॉपुलेशन है, और दोनों में हम एक ही कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हैं, वह है इनकम इन रुपीज। अगर आप कहते हैं कि इनकम विदाउट जेंडर, हाँ, तब हम कहेंगे कि सिंगल पॉपुलेशन है। हाँ, अगर हम कहते हैं इनकम अकॉर्डिंग टू कास्ट, तो इसका मतलब हुआ कि अब हम मल्टीपल पॉपुलेशन में चले गए। अगर हमारे पास चार कास्ट हैं तो हमें हर कास्ट के लिए इनकम वेरिएबल का डेटा मिलेगा, और तब हम कहेंगे कि अब हम मल्टीपल मीन को टेस्ट कर रहे हैं। अब अगर आपके पास सिंगल पॉपुलेशन है, जैसे इनकम ऑफ एज ऑफ पॉपुलेशन मीन एज, पॉपुलेशन मीन एज इज 40 ईयर, ये हमारी नल हाइपोथेसिस है। हाँ, तो ये सिंगल पॉपुलेशन मीन है। अब इस नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए अमूमन हम लोग जो टेस्ट फार्मूला यूज करते हैं उसे कहते हैं टी टेस्ट। तो जब भी हम मीन को टेस्ट करते हैं या मीन के डिफरेंस को टेस्ट करते हैं और कम से केवल दो पॉपुलेशन तक, तो हम लोग टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी इस टी टेस्ट के इस्तेमाल करने करते क्या है कि हम लोग दूरी निकालते हैं कि नल हाइपोथेसिस में हमने क्या लिया था और डेटा से हमको क्या मिल रहा है, वो इसके बीच की दूरी निकालते हैं और इस दूरी को फिर स्टैंडर्डाइज्ड करते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड करने में हम लोग फिर स्टैंडर्ड एरर का यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड एरर फिर एक कठिन शब्द है, एक कॉन्सेप्चुअल शब्द है, इसको समझने के लिए हो सकता है कि आपके पास जानकारी हो। हाँ, कॉन्सेप्चुअल शब्द इस मामले में है कि जब हम कोई सैंपल निकालते हैं और उस सैंपल से कोई भी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, अगर हम उतने ही साइज़ का दूसरा सैंपल दोबारा निकालें तो हमारा वही डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक बदल जाता है। अब स्टैंडर्ड एरर बताता है कि आप अपने सैंपल से जो भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हैं, वह डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अगर आप बार बार उतने ही साइज़ का सैंपल निकालें और बार बार अलग अलग पाएंगे जो उनके बीच में कितना वेरिएशन होगा। तो स्टैंडर्ड एरर किसी भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के, हाँ, बार बार सैम्पलिंग के द्वारा बदलने वाली वैल्यूज का आपको वेरिएशन बताता है। हाँ, तो इससे हम लोग उसे स्टैंडर्डाइज करते हैं। अब ये जो स्टैंडर्ड एरर है मीन के लिए, ये पॉपुलेशन एस डी पे डिपेंड करता है, सिग्मा बाई रूट एन होता है, ये पॉपुलेशन एस डी पे। हेलो हेलो, आवाज़ क्लियर है कि नहीं? हेलो, आवाज़ क्लियर है कि नहीं? हेलो हेलो, तो ये जो एस डी है पॉपुलेशन का, ये हो सकता है हमको नोन हो सकता है अननोन हो, लेकिन रियल सिचुएशन में अमूमन पॉपुलेशन एसडी नोन नहीं होगा क्योंकि आपके पास पॉपुलेशन का डेटा नहीं है। तो जनरली जब हम लोग मीन की टेस्टिंग करते हैं तो पॉपुलेशन एसडी को इस्टीमेट करते हैं सैंपल डेटा से, पॉपुलेशन एसडी को इस्टीमेट करते हैं सैंपल डेटा से, और जब इस्टीमेट करते हैं सैंपल डेटा से उस समय हम लोग जो टेस्ट फार्मूला यूज़ करते हैं उसे कहते हैं टी टेस्ट।
लेकिन अगर कभी आपको ये पॉपुलेशन एस डी पता हो और उससे आपने स्टैंडर्ड एरर निकाला सिग्मा बाई रूट एन सब को सही से डिवाइड करके टेस्ट। अब जेड टेस्ट अमूमन रियल लाइफ में हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि पॉपुलेशन एस डी नहीं मालूम है। तो अगर हमारे पास सिंगल पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के किसी मीन पर हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है, हमने उसकी नल हाइपोथेसिस में वैल्यू कोई ली हुई है, तो हम उस टेस्ट को टेस्ट करने के लिए हम टी टेस्ट का उपयोग करेंगे। अब अगर हमारे पास दो पॉपुलेशन हैं और दोनों पॉपुलेशन के मीन डिफरेंस पर अगर हमें कोई हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है, तो हम उस मीन डिफरेंस को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट फार्मूला यूज करेंगे वह फार्मूला हमारा कहलाएगा टी टेस्ट, और इसे लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। अब जब आप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट करेंगे तो दो ग्रुप हो गए, एक ही क्वालिटी के दो ग्रुप हो गए, जैसे जेंडर मेल और फीमेल। अब मेल में कुछ लोगों की इनकम होगी, हो सकता है मेल में आपने 500 लोगों से पूछा हो, फीमेल में आपने 700 लोगों से पूछा हो। हाँ, चूंकि ये मेल और फीमेल दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इनके इनके रिस्पांस का इफेक्ट फीमेल के रिस्पांस से नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। अब अगर हमें इनके मीन को कंपेयर करना है तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। लेकिन अगर इनमें भी पॉपुलेशन वेरिएंस मालूम हो दोनों पॉपुलेशन का, अब इसमें बहुत सारे इफ बट हैं कि ये कब लगाना चाहिए, इसके लिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, पॉपुलेशन का एसडी कैसा होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में दोनों ही पॉपुलेशन का डेटा बेल शेप में होना चाहिए और दोनों ही पॉपुलेशन का एसडी इक्वल होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि जब दोनों पॉपुलेशन का डेटा ही हमारे पास नहीं है तो हम कैसे जानें कि हमारे पॉपुलेशन का डेटा बेल शेप में है। तो इसके लिए हम लोग रेसिप्रोकल चलते हैं। हमने पॉपुलेशन से रैंडम सैंपल लिया हुआ है, हाँ हमने कोई पर्पज सैंपल नहीं लिया हुआ है, अपने मन से नहीं लिया हुआ है, हमने सैंपल को रैंडम लिया हुआ है। तो जब हम सैंपल को रैंडम लेते हैं तो अमूमन हम ये मानते हैं कि ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ प्रोवाइडेड कि आपने रैंडम टेक्निक को एडॉप्ट किया हो। अब जब वो डेटा आपके पास आ गया तो इसका मतलब कि आपके पास पॉपुलेशन का एक छोटा स्वरूप आ गया, लेकिन उसका नेचर वही होगा जो पॉपुलेशन का होगा। तो हम लोग करते क्या हैं कि अपने डेटा के शेप को देख लेते हैं कि डेटा हमारा बेल शेप है कि नहीं। अगर डेटा बेल शेप है तो हम कहते हैं कि चूंकि ये रैंडम सैंपल है इसलिए हमारे पॉपुलेशन का डेटा बेल शेप है, और हमें ये बात दोनों पॉपुलेशन के लिए देखनी पड़ेगी अगर आप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कर रहे हैं तो। अब जब दोनों ही पॉपुलेशन आपको बेल शेप मिल गए सैंपल डेटा के आधार पर, आप कंफर्म हो लिए, तब आपको दूसरा काम देखना होता है कि दोनों के पॉपुलेशन वेरिएंसेस बराबर थे कि नहीं, क्योंकि तभी आप मीन को टेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो किसी का एसडी ज़्यादा होगा किसी का एसडी कम होगा तो आप मीन को कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए अब दूसरा इसमें आपको सावधानी बरतनी होती है जानने की कि दोनों के वेरिएंस बराबर हैं कि नहीं। तो अब टी टेस्ट के पहले एक और टेस्ट करेंगे कि दोनों के वेरिएंस बराबर हैं कि नहीं। अब दो पॉपुलेशन के वेरिएंस के इक्वालिटी को टेस्ट करने वाला जो हमारे पास टेस्ट फार्मूला है या टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है या हाइपोथेसिस टेस्ट प्रोसीजर है, उसे कहते हैं एफ टेस्ट। तो आप एफ टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हैं तो वो उसमें लीवेंस टेस्ट के नाम से वो देते हैं कि आपके पॉपुलेशन वेरिएंस बराबर हैं कि नहीं। अब अगर ये होल्ड करता है तब आप फिर से जा करके अपने टी टेस्ट के फार्मूले को यूज करें और टी टेस्ट के फार्मूले के आधार पर आप फिर अपना डिसीजन लें कि आपका ये डिसीजन नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा। अब इस प्रोसीजर में दो मेथड अपनाए जाते हैं, एक होता है
पी वैल्यू टेक्निक और दूसरा है टेबल वैल्यू टेक्निक। अमूमन जब हम कोई टेस्ट फार्मूला यूज़ करते हैं, जैसे अगर आप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का फार्मूला यूज करें तो उसका फार्मूला है कि पहले पॉपुलेशन का सैंपल मीन माइनस दूसरे पॉपुलेशन का सैंपल मीन अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन। और इससे जब आप इसमें सारी वैल्यूज निकालेंगे, निकालने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, इसे हम लोग बोलते हैं टी कैलकुलेटेड। मान लीजिए कि ये नंबर आ गया 4.3 जो कि आप अपने डेटा से निकाले फॉर डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशंस मीन। नाउ अब ये मान लीजिए कि नंबर आपके पास आ गया 4.5 टी बराबर 4.5। अब अगर आप टेबल पूछ लेते हैं तो आप टेबल से एक क्रिटिकल वैल्यू खोजते हैं। ये क्रिटिकल वैल्यू डिपेंड करता है टी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर और टी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से ये पाया जाता है। अब इसको पाने के लिए आपको दो बातें बतानी है, आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या था, आपने पहले क्या तय किया हुआ था, और साथ साथ आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जनरली हम लोग 5% फिक्स करते हैं, आप कम भी कर सकते हैं, जितना ही कम रखेंगे उतना ही बेटर है। इसमें जो रूल है वह है कि दोनों पॉपुलेशंस के सैम्पल साइज को जोड़ दीजिए, -2 कर दीजिए। तो 500 सैंपल लिया था, दूसरे में 700 सैंपल लिया था, तो आपको 1200-2 ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। और फिर आप जाकर के टेबल से आप देख सकते हैं कि क्रिटिकल वैल्यू क्या है। अब अगर क्रिटिकल वैल्यू टी की आपने जो कैलकुलेट करी है टी की वैल्यू, हाँ कैलकुलेटेड टी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी आ जाए तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि एविडेंस महत्वपूर्ण है, मीन्स एविडेंस सिग्निफिकेंट है, मीन्स नल हाइपोथेसिस में जो हमने सोचा था उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, एविडेंस जो हमें कह रहा है उस पर हम फेथ रख रहे हैं। सो इट इज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। सिग्निफिकेंटली डिफरेंट मीन्स कि जो भी हमने नल में माना है वो हम इग्नोर कर रहे हैं और जो हमें डेटा से मिल रहा है हम उस पर फेथ रख रहे हैं, या जो डेटा हमको बोल रहा है उस पर हम यकीन कर रहे हैं, जो प्रूवन थियरी है उसे हम निगेट कर रहे हैं। दूसरा है पी वैल्यू टेक्निक। पी वैल्यू टेक्निक में हम टेबल वैल्यू नहीं देखते हैं, हम एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। और वो प्रोबेबिलिटी हम निकालते किसका है कि जो हमने टी की वैल्यू कैलकुलेट करी है 4.5, हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि अगर हम एच नाट को सही मान लें, अगर हम एच नाट को सही मान लें तो टी की वैल्यू 4.5 से अलग आने की कितनी संभावना है, क्योंकि अलग कब आएगा, दूसरा सैंपल लेंगे तो अलग आएगा। अब अगर मान लीजिए हर सैंपल हमको 4.5 ही टी की वैल्यू दे दें तो इसका मतलब है कि सैंपल पे हमें विश्वास करना चाहिए। तो हम ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि अगर हम एच नाट को सही मान लें, क्योंकि ये नहीं आप कंडीशन डालेंगे तो प्रोबेबिलिटी निकल नहीं पाएगी, अगर हम एच नाट को सही मान लें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि टी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी है इससे डिफरेंट आए। अब अगर ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू डिफरेंट आने की, जो हमने 4.5 कैलकुलेट करी है इससे डिफरेंट आने की प्रोबेबिलिटी नगण्य हो, बहुत ही कम हो, तो इसका मतलब है कि हम बार बार हम जब एनालिसिस करेंगे तो हमको यही रिजल्ट मिलेगा, और यही रिजल्ट मिलेगा तो हमें डेटा पर विश्वास करना चाहिए, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहिए। तो जब हम पी वैल्यू के कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो हम पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, पी वैल्यू को देखते हैं कि हमारा ये बहुत स्मॉल आया है कि नहीं, लार्जर आया है कि नहीं, कैसा आया है। अब अगर ये छोटा आया है तो हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस। सिग्निफिकेंस डिफरेंस मतलब फिर से सोचिए, तो मतलब समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि सिग्निफिकेंस डिफरेंस का मतलब होता है कि जो डेटा कह रहा है और जो आपकी थियोरी कह रही है उसमें अंतर है कि नहीं। अगर अंतर है, जो थियोरी निगेट हो गई, थियोरी रिजेक्ट हो गई, इसका मतलब है कि डेटा और थियोरी के बीच में डिफरेंस है।
ठीक है। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुई, इसका मतलब है कि डेटा और थियोरी के बीच में अंतर नहीं है, जो थियोरी कह रही है वही हमारा डेटा भी कह रहा है, और उस केस में हम कहते हैं कि इनसिग्निफिकेंट है, हमारा स्टडी जो है इनसिग्निफिकेंट है। स्टडी में क्या हमने किया है, डेटा लिया है, डेटा के आधार पे हमने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, तो हमारी स्टडी सिग्निफिकेंट है कब, जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिए। अब ये जो हम पी वैल्यू निकालते हैं तो क्या किस लेवल तक आए तो हम लोग कहेंगे कि रिजेक्ट नल, या बहुत ही डेटा पे यकीन किया जाए, या रिजेक्ट एच नॉट कहा जाए। तो इसके लिए जो बेटर ऑप्शन है वह है कि हम जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फिक्स करते हैं अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, अगर उस वैल्यू से हमारी पी वैल्यू छोटी आती है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से हमारी पी वैल्यू बड़ी आती है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे रिजेक्शन रीजन की मैक्सिमम बाउंड्री है। हाँ, हमारा पी वैल्यू हो सकता है कि छोटा हो। अब बहुत सारे जगहों पे हमने देखा है कि पी वैल्यू अगर आ गया 0.004 तो लोग कहते हैं कि ये बहुत हाईली सिग्निफिकेंट है। अब मेरे ख्याल से कोई चीज़ हाईली और लो और मॉडरेट और सीवियर सिग्निफिकेंट नहीं होती है, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट होता है। हाँ, बस यही है कि जो थियरी है और जो हमने डेटा से पा रहे हैं, जो हम एविडेंस पा रहे हैं, उसके बीच में डिफरेंस है। तो ये रहा टेस्ट पे प्रोसीजर्स। अब बहुत सारे टेस्ट हम लोग करते हैं, अगर दो ग्रुप है और मीन डिफरेंस कर रहे हैं तो हमने इंडिपेंडेंटी टेस्ट कहा, लेकिन अगर आपके पास ग्रुप्स ज़्यादा हैं, मीन्स पॉपुलेशन आपका दो से ज़्यादा पॉपुलेशन के बीच आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, जैसे इनकम ऑफ एवरेज इनकम ऑफ जनरल कास्ट पीपुल इज ग्रेटर दैन अदर ओबीसी कास्ट पीपुल इज ग्रेटर देन अदर कास्ट पीपुल, अगर आपकी ये अभी आपका रिसर्च क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, हो सकता है ये रिसर्च क्वेश्चन कब होगा, जब आपकी नल हाइपोथेसिस पहले से पता हो कि ये ऐसा नहीं है और आपसे पहले से पता नहीं है, तो ऐसे में रिसर्च क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स। हाँ, ग्रेटर हम लेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें ये पहले से थियरी में नहीं प्रूव किया गया है कि लेस है कि ग्रेटर है। नल में क्या रखेंगे कि एवरेज इनकम ऑफ पीपल ऑफ जनरल कास्ट, एवरेज इनकम ऑफ पीपल ऑफ ओबीसी कास्ट, एवरेज इनकम ऑफ पीपल ऑफ एससी कास्ट आर सेम, आर अदर कास्ट आर सेम। अब अगर आप डेटा से इसे निगेट कर दें डेटा के द्वारा, तो नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो गई। अब इसमें चूंकि आपने तीन पॉपुलेशन लिए हैं, पॉपुलेशन किस पर बना है आपका, कास्ट पर, कास्ट के कितने ग्रुप हैं, तीन ग्रुप हैं, जनरल ओबीसी अदर्स। अब ये तीन पॉपुलेशन के बीच में जब आप मीन को कंपेयर करेंगे, मीन को टेस्ट करेंगे, तब ये इंडिपेंडेंटी टेस्ट नहीं रह जाता है, अब इसे कहते हैं वन वे एनोवा। तो वन वे एनोवा में एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा और एक क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा। क्वालिटेटिव वेरिएबल में क्वालिटी की संख्या दो से ज़्यादा होगी, दो पे भी आप कर सकते हैं लेकिन अमूमन दो से ज़्यादा होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट भी एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल और एक क्वालिटेटिव वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है, और इसमें क्वालिटी वेरिएबल्स क्वालिटी की संख्या दो होनी चाहिए। और जनरल टी टेस्ट या सिंगल पॉपुलेशन टी टेस्ट में केवल आपको कोई क्वालिटेटिव वेरिएबल नहीं होगा, उस क्वांटिटेटिव वेरिएबल के किसी भी मीन को जो आपने हाइपोथेसाइज्ड किया है उसको आप टेस्ट करेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, हम बहुत डिटेल हर चीज़ों पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, हम अवेलेबल रहेंगे आपको बताने के लिए।
हाँ और कुछ हमने आपको वीडियोस के लिए बताया कि आप यूट्यूब पे जाएं, अभी बहुत स्टार्टिंग में है ये चैनल, आप उससे सब्सक्राइब करें और आगे आप उसमें जो भी वीडियोस आएंगे डिटेल वीडियो उस पर आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।